जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप अपने मन के विचारों को जिस तरफ मोड़ेंगे, वो विचार आपको वही सकारात्मकता लेकर के आएंगे। यदि आप सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आपको वही चीजें प्राप्त होने लगेंगी। और यदि नकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो फिर नकारात्मक ही चीजें आपको मिलेंगी। अपनी सोच को जैसा बनाओगे, वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। अब इस सोच को आप कैसे सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे, जिससे आपका कोई शत्रु ना रहे, आपको कोई भय ना रहे और आपके जीवन में आपका मनोबल सदा बढ़ता हुआ चला जाए। अब जब मनोबल बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो कोई भी कार्य आपका रुकेगा ही नहीं। और बहुत ही आसान उपाय है, जो शब्द मैं बोलूंगा आपने वह शब्द बोलने हैं। वैसे तो यह मंत्र है, मैं मंत्र ही बोलूंगा, लेकिन मंत्र यदि आपको कठिन प्रतीत होता है, तब मैं जिन शब्दों को बोलता हूं, उन शब्दों को नित्य बोल दिया करें। अब यह बोलना किस समय है, कब है, आपने स्नान किया है, नहीं किया है, आप मंदिर में हैं, घर के में हैं या बाहर हैं, आप कहीं पे भी हो, कहीं भी बैठे हैं, आपने बस जब भी आप फुर्सत में बैठे हो, चाहे वे कोई भी समय रहा हो, जब आप फुर्सत में बैठे हों, तब आप ध्यान करके इस मंत्र को पढ़ देना। इतना सा काम आप कर लेना। और यदि आप फुर्सत में हैं ही, तो एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार तो कम से कम अवश्य पढ़ लेना। और याद हो जाए तो अति उत्तम है। और यदि आपको पढ़ने में कठिनाई हो, याद नहीं होता हो, फिर भी कोई बात नहीं, जो शब्द मैं बोलूंगा वह पढ़ लेना। मेरे बोले हुए शब्द भी समझ में नहीं आए, तो यह बोले हुए शब्द आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, यदि आपको, तो आप देख लेना। बहुत अच्छा है, आप बोलना जब जी चाहे, दिन में बोलना, कभी छूट जाए चिंता ना करना। आप बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब आपको पता चल जाएगा कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, जो मैं शब्दों में बोलूंगा, तो आपके मस्तिष्क में वह बैठने लग जाएगा। और जब इस मंत्र का भावार्थ आपके मस्तिष्क में बैठने लग गया, तो समझ लेना कि आप इसे करो, कोई शत्रु आपका नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा, आप सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बस फिर मंत्र भी सुन लीजिए। अजो अहम अमरो अहम चे हयेन आदि निधनो हय अहम अविकार चिदानंदो हरणीयान महतो महान। बस दोस्तों, मंत्र यदि एक दो बार अभ्यास करेंगे, आराम से आपको पढ़ना भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। और यदि नहीं कर सकते, तो यह शब्द बोल देना, बस यह शब्द भी आप 3 बार उच्चारण करेंगे कम से कम, जब भी बैठे, आराम से कहीं पे भी बैठे हो,
कर देना। मैं ऐ जन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अनादि हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं अणु से भी छोटा हूं और महान से भी महान हूं। मैंने आराम आराम से इन शब्दों को बता दिया। वैसे यह शब्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि इन्हें 3 बार दिन में दोहरा लेंगे तो समझ लेना आपको जीवन में कभी ना डर भय ना शत्रु परेशान करेंगे, आपका जीवन के मार्ग भी खुलने लग जाएंगे और आपकी आत्मा की शक्ति आपका मनोबल भी बढ़ने लग जाएगा। आप कितने दिन करें यह आप पर निर्भर करता है। अच्छा लगता है तो करते रहा करें, और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बता देना। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही कि आप अपने लाइफ का ध्यान रख लेना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।